बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है हैबिचुएशन। मैंने आपको कल लर्निंग का पढ़ाया था। जो लर्निंग था वो हमारे पास एक्सपीरियंस के साथ जो था वो चीज़ सीखना है, ठीक है। उसमें मैंने फिर आपको बताया था कि लर्निंग ही हमारे पास टू कैटेगरीज हैं, हैबिचुएशन एंड इनसाइड लर्निंग। जो हैबिचुएशन है हमारे पास वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द लर्निंग है, ठीक है। और जो हमारे पास इनसाइड लर्निंग है हमारे पास वो है वो कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द लर्निंग है। हैबिचुएशन को आज हम पढ़ेंगे, इनसाइड लर्निंग जो है वो हमारा आगे टॉपिक है, वो हम जो है वो उसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जो हमारे पास हैबिचुएशन है, हैबिचुएशन एक्चुअली हमारे पास कि हमारे पास जो रिस्पांस है उसका विद द पैसेज ऑफ टाइम रिस्पांस का डिक्रीज हो जाना, ठीक है। कि आप एक्सपीरियंस जब आप एक्सपीरियंस अटेन कर लेते हैं तो फिर आप विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है उसका रिस्पॉन्स जो है वो कम देने लग जाते हैं। जिस तरह अब अगर देखें, एक टीचर है ना, वो नया नया गया है, उसका बच्चा कुछ भी कहेगा ना, उसको ना वो उस पर गौर करेगा, देखिएगा कि मुझे बच्चे ने मेरे लेक्चर में, मेरे एटीट्यूड में, मेरे बिहेवियर में ये गलतियाँ निकाल दी, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसको पढ़ा, उसकी टीचिंग एक्सपीरियंस जॉब को, उसकी जॉब को 15 साल या 8 से 10 साल गुजर जाएंगे तो वो बॉदर करना काम कर देगा। बॉदर नहीं करेगा, वो क्या कहेगा, कहेगा हमें तजुर्बा पता, बच्चे ये सारा कुछ करते होते हैं। जब कोई नया टीचर फील्ड में आता है तो उसको समझाते हैं, बच्चे आपको इस तरह टीच करेंगे, आपने उसको इस तरह इरिटेट करेंगे तो आपने इग्नोर करना है। इसका मतलब क्या है, वो बताते हैं कि हम जैसे हमारी जॉब का एक्सपीरियंस, हम जो हमारी जॉब तो हमारा एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया है टाइम के साथ साथ, हमने रिस्पॉन्स करना जो है वो छोड़ दिया है। इसके खैर है, बच्चों को ज़्यादा बच्चे बोलते ही हैं, ठीक है। ये काम जो हम इसके पढ़ना कि हमारे पास जो हैबिचुएशन है कि एडिबल बिहेवियर की कॉमन टाइप है, ठीक है। अब हैबिचुएशन में हमारे पास जो है कि वही बात है कि डिक्रीज इन द रिस्पॉन्स टू रिपीटेड और द कंटिन्यूस स्टिमुलेशन। कि आपको कंटिन्यूस स्टिमुलेशन मिल रहा है, कंटिन्यूस स्टिमुलेट मिल रहा है तो आप उसके ऊपर जो है वो रिस्पॉन्स जो है ख़त्म आप देना बंद कर दें। इस तरह देखें कि जो हमने जो है एक कहानी पढ़ी थी उर्दू में, शेर आ गया वाली, उसने पहला कहा शेर आ गया लोग मदद के लिए आ गए, दूसरी दफ़ा उसने कहा कि शेर आ गए लोग मदद को आ गए, अब उसने तीसरी दफ़ा कहा लोगों ने बॉदर नहीं किया, लोगों ने कहा कि ये झूठ बोल रहा है। पहले भी जो था इसने हमारे साथ दो दफ़ा इस तरह किया, उसको दो दफ़ा उसको स्टिमुलस मिला तो उन्होंने रिस्पॉन्स हो किया, थर्ड टाइम फिर स्टिमुलस मिला फिर वो गए ही नहीं, फिर सच में वो काम हो गया था। ये चीज़ जो है वो इसके अंदर आती है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो था कि जो हमारे पास जो एनिमल है ना, वो जब सीखता है ना तो वो जो इन्वायरमेंट है, जो कांस्टेंट उसको स्टिमुलस मिल रहा होता है ना अपने इन्वायरमेंट से, जो उसको कांस्टेंट स्टिमुलस मिलता है अपने इन्वायरमेंट से, वो उसका रिस्पॉन्ड नहीं करता। इस तरह गाड़ियों का शोर है, अब एक इंसान है ना वो नॉर्दर्न एरिया में चला जाएगा, कहेगा यहाँ बहुत सुकून है, दो तीन दिन गुजार के वो यहाँ आएगा तो उसको लगेगा यार ये शोर है गाड़ियों का, तो उसको अजीब अजीब लगेगा क्योंकि वहाँ पर इतना शोर नहीं है, फिर वो यूज तो जाएगा। यहाँ एक इंसान जो है वो गांव में रहता है, गांव में शोर नहीं होता इतना, वो जब आएगा सिटीज़ में आएगा शोर होगा तो वो पहले उसको अजीब लगेगा, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा वो कहेगा बादल हो गया हमें, अब हमें तो शोर है हमारे कानों में फिट सा हो गया, हमें इतना ये बॉदर नहीं करता, ठीक है। इसका मतलब है कि जो उसको इन्वायरमेंट की तरफ से कंटिन्यू स्टिमुलस मिल रहा था ना, इन्वायरमेंट जो कंटिन्यू उसको स्टिमुलस मिल रहा है, उसने जो है रिस्पॉन्ड करना जो है वो छोड़ दिया, क्योंकि वो कंटिन्यू स्टिमुलस, उसको पता है ये चीज़ होनी होनी है, तो बजाय इरीटेट होने के, गुस्सा करने के, ठीक है, या अपनी एनर्जी वेस्ट करने के, तो बेहतर नहीं कि बंदा अपनी एनर्जी है जो वो कंजर्व कर ले। आपको एक इंसान फ़ोन कर रहा है, वो एक फ़ोन कर रहा है आप उसका बिज़ी कर देंगे, दो फ़ोन कर रहा है बिज़ी कर, जब बाबा करते जाएगा तो आप कहेंगे इसको जाना तो पड़ा, इसका फ़ोन बजने दो, ठीक है, कि इसका मैंने खपना जो है तो वही काम अपना कोई काम ना कर लूँ। इसका मतलब है कि अपनी एनर्जी फिर जो है कंटिन्यू स्टिमुलस पे जो है उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए जो है अपनी एनर्जी जो है उसको कंजर्व कर ली जाती है, ताकि हम जो है वो जो हमारा जो काम है, हमारा कोई और काम है, हम हमारा अपना जो काम है वो हो जाए, ठीक है। अब देखिए वो कहते हैं कि बाय हैबिचुएशन टू अन इम्पॉर्टेंट स्टिमुलाय एनिमल कंजर्व एनर्जी एंड टाइम डेट आर बेटर स्पेंड टू द अदर इम्पॉर्टेंट फंक्शंस, ठीक है। मतलब कि ह्यूमन है सोना सो जाएगा, पढ़ लेगा, लिख लेगा, खाना खा लेगा, सिवाय उस बजाय उस बंदे के उस बंदे का जो है वो खपे, ठीक है। अब वो कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास टाइम के बाद क्या करता है, जो हमारे पास जो बर्ड्स हैं ना वो इग्नोर करेगा स्क्वेयर क्रोज को, जो कि क्या करते हैं, जो उनको उड़ने का काज बनते हैं।
जो हमारे पास स्केयर क्रोस की स्केयर क्रोस हमारे पास था, जो जो हैं वो जो कवे हैं वो डराने का काम करते हैं, बर्ड उनको देख के उड़ जाएगा, एक बार बर्ड को उड़ाएंगे दो दफ़ा उड़ाएंगे, जब वो बैठे रहेंगे ना बर्ड है वो फ्ली नहीं करेंगे, फ्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि क्योंकि उनको पता चल जाएगा ये हमारे पास हमें जो है ये कंटिन्यूस स्टिमुलस मिल रहा है। वो क्या करेंगे फ्लाई करने के लिए, फ्लाई करने से क्या होता है एनर्जी लगती है, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर जो है उसको रेगुलेट करने के लिए हमें रेगुलेट करना पड़ता है, तो वो फिर क्या करेंगे कि वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे, वो जो है चुपचाप बैठे रहेंगे और अपनी जो है एनर्जी जो है उसको वो कंजर्व कर लेंगे। ठीक है, आप देखिए आपके पास स्क्विरल्स हैं, ठीक है, स्क्विरल्स क्या हैं, आप एक दफ़ा उनको इस तरह करेंगे पत्थर मारने तो उड़ जाएंगे, दो दफ़ा जब आप बार बार मारेंगे तो भागेंगे नहीं, वो वहीं में घूमते फिरते रहते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि स्क्विरल्स इन अ स्टेडी पार्क एडजस्ट टू द मूवमेंट ऑफ द ह्यूमन एंड ऑटोमोबाइल्स। जब वो देखते हैं कि एक इंसान आ रहा है, एक ऑटोमोबाइल चल रही है या मोबाइल ऑटोमोबाइल चल रहा है, तो वह एक दो तीन चार पाँच बार भाग जाएंगे, लेकिन जब उनको देखेगा कि जब वो फिर जब उनको कंटिन्यूस स्टिमुलस मिलेगा तो वो फिर भागे फिर वो भागेगी नहीं, वो जो है अपनी नॉर्मल वॉकिंग जो है स्टार्ट करें, क्योंकि वो डर के भागती हैं कि मुझे कुचल ना दें या मुझे मार ना दें। जब उनको दो से तीन दफ़ा जब वो भागेंगे, जब कुछ नहीं होगा फिर जो है वो इतना फिर वो जो अपनी नॉर्मल जो अपना नॉर्मल उनका फंक्शन है वो उसको जो है वो परफॉर्म करेंगे एज कम्पेयर टू भागें अपनी एनर्जी वेस्ट करें, क्योंकि एनर्जी जो है हर काम करने के लिए जो है वो आपको एनर्जी चाहिए, फिजिकल हो गया, मेंटली हो गया, जो टीचर हैं अगर तो दिमाग खपता है वो लोग कहते हैं मेंटली थक गए हमारा सर दर्द कर रहा है, जो मजदूरी करता है वो फिजिकली काम करता है, ठीक है, उसके हाथ पांव थक जाते हैं, ये आपकी हार्ड वर्क करने में डिफरेंट है कि आपकी जो एनर्जी है वो कहाँ लगती है ज़्यादा। ठीक है, आपके फिजिकली आप काम कर रहे हैं, मेंटली कर रहे हैं कि कौन सा जो है वो आप काम कर रहे हैं, या आप जो है साइकोलॉजिकली थक चुके हैं, ठीक है, किसी के बार बार टॉन्ट सुन सुन के गुस्सा सुन सुन के देख सह सह गए, नाराज हो गए, तो बंदा फिर थक जाता है। ठीक है, कहते हैं कि अब हमारे जो है बस होगी, क्या कहते हैं हमें नहीं जो उससे करना है कर लें, हमसे जो है अपना दिल जलाया नहीं जाता, दिल जलाने का मतलब क्या है कि हमसे अपनी जो एनर्जी है वो वेस्ट नहीं होती, हमने अपनी एनर्जी कंजर्व करनी, वो एनर्जी हम किसी और काम में लगा लें। ठीक है, जो बच्चा है आप देखें फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, वो एक बच्चे दो बहन वही बैठे हुए, एक जो है बैठा टीवी देख रहा है, एक पढ़ रहा है, को क्या कहता है क्योंकि इस टाइम मैं पढ़ लेता हूँ बाद में मैं देख लूँगा। ठीक है, जो 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 साथ जो टीवी देख रहा है वो कह के कोई बात नहीं पढ़ लेंगे, वो अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहा है, अपनी ट्रांसफ़र कर रहा है, वो उसने वो देखने टीवी देखने में एनर्जी लगानी है, वो अपनी वही एनर्जी जो है वो उधर उस साइड पर पढ़ने पर लगा रहा है। ठीक है, इफ़ द स्टिमुलस इज विद हेल्ड देन द रिस्पॉन्स रिटर्न रैपिडली, कहता है कि अगर स्टिमुलस जो एक दफ़ा आपने किया, बिल्ली को अगर आप एक दफ़ा मारेंगे ना भाग जाएगी, तो आपको रिस्पॉन्स क्विकली मिलेगा। देखिए जिस तरह जो है आप एक इंसान को आवाज़ देते हैं वो एक दफ़ा हाँ जी कहता है, लेकिन अगर आप बार बार उसको आवाज़ देंगे ना तो बार बार फिर आपको जवाब नहीं देगा कभी भी, क्योंकि कहीं बोलता है इसको बोलने का, एक दफ़ा जब आप बुलाएंगे तो वो जो है आपको रिस्पॉन्स जो है वो क्विकली मिलेगा। ठीक है, अब हमारे पास जो हैबिचुएशन है ये इसमें किसी भी टाइप की कंडीशनिंग अप्लाई नहीं होती। ठीक है, कंडीशन पे बेस नहीं करता, मतलब टेम्परेचर, इन्वायरमेंट, ह्यूमिडिटी फैक्टर्स, जो मर्जी फैक्टर आपका, ठीक है, ये इस पे जो है इस पे इन्वॉल्व नहीं होता। देखें अब हमारे पास जो है स्क्विरल्स हैं, पार्क्स में ये फिर रही होती हैं, ठीक है, धूप भी पड़ी होती है, ठीक है, लोग धूप भी पड़ी होती है, टेम्परेचर भी आगे पीछे होता है, इन्होंने दरख्तों पर चढ़ जाना, दरख्तों में चढ़ जाना है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि हैबिटेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, ठीक है, और इसको ठीक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो कैसे देखें कि आपको एक कॉल है बार बार आ रही है, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, आप कंट्रोल किस तरह करेंगे कि आप कहेंगे आने दो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उस तरफ ध्यान ही नहीं देंगे, जिस तरह हमें स्क्विरल जाए इसको बार बार इंसान गुजरते हैं ऑटोमोबाइल्स के हॉर्न वगैरह सुनते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो अपना जो है ना अपना वो हार्मोनल सिस्टम सीएनएस का सिस्टम जो है उसको इस तरह मेंटेन कर लेगी कि वो उसके लिए बॉदर ही नहीं करेगा, उसके लिए अहमियत ही नहीं रखेगा, इंपॉर्टेंस ही नहीं रखेगा। ठीक है, तो क्या है वो फिर वो क्या करेगी, वो अपना प्रॉपर काम करती रहेगी। अगर आपके इंसान को होता ना गुस्सा करता है, आप पहले दिन उसके गुस्से का बुरा मनाएंगे, दूसरे दिन तीसरे दिन फिर आप कहते हैं हमें आदत होगी, हमें इसका गुस्से का पता नहीं चलता, इसका मतलब क्या है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना वो उन इमोशन को कंट्रोल कर लेता है आपके। ठीक है, कि बजाय आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाए तो वो तो इंसान का रोज़ उसका काम है। ठीक है,
ये, और इसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं सेंसरी अडैप्टेशन से। देखें क्या आपको पता चलेगा कि इस बंदे का जो है ना गुस्सा इसको आ रहा है, जो फेस का जो फीचर्स है ना, जो फेस का एक्सप्रेशन है बदल जाता है, गुस्सा होता है ना, खुश होता है, एक्सप्रेशन तो पता चलता है, आँखों से पता चल जाता है इसका रोया है या खुश है या उदास है। तो क्या करते हैं हम वो फ़र्क साफ पता चल जाता है। अगर कोई इंसान किस हाल में बैठा है, अगर वो चुप बैठा हुआ इसको मतलब कुछ सोच रहा है, वो उसके फेस एक्सप्रेशन बता रहे हैं। अगर वो कोई काम कर रहा है उसको मतलब वो बिजी है, अगर वो सो रहा है ठीक है वो उसके फेस, अगर सोते हुए किसी का अगर जो है सोते हुए किसी का फेस होता है बहुत सुकून होता है, कहते हैं गहरी नींद में। अगर वो थोड़ा परेशान है कहेंगे इतने ये इतने जो है अच्छी नींद में नहीं सोया हुआ, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो सेंसरी फीचर है ना हमारे, उससे हम डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, ठीक है। किसी गुस्सा होता एक टीचर आपका, आप उसे पढ़ते हैं, आपको वो दो दिन आपको पता नहीं चलता क्या, जब चार दिन पढ़ लेते हैं कहते हैं छ ये याद आ रहा, फिर आप क्या करते हैं जब आप देखते हो उनका जो फेस एक्सप्रेशन ऐसे होने लगते हैं सेंसरी एक्सप्रेशन, तो आप बच्चे चुप कर देते हैं, बच्चे चुप कर देते हैं कि हमारे टीचर को गुस्सा आ रहा है, नहीं होना चाहिए ये काम। इसका मतलब क्या है आपको उनके अदात का पता चलता है, आप सेंसरी एक्सप्रेशन को जो है वो आप डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि हमारे पास जो सेंसरी अडैप्टेशन है इसमें हमारे पास जो है उसमें क्या है, स्टिमुलस का रिपीट होना इन्वॉल्व है, ठीक है, रिसेप्टर्स का अंटिल दे स्टॉप रिस्पॉन्डिंग। जिस तरह वही बात है, गुस्सा आ रहा आप एक दफ़ा रिस्पॉन्ड करेंगे, दो दफ़ा करेंगे, तीन दफ़ा, अगर उसको बार बार अगर आपको वही काम हो रहा फिर आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, रिस्पॉन्ड करना छोड़ देते हैं, फ़ोन आ रहा है बार बार आते जा रहा है आने दे, डांटी जा रहा कोई डांटी जा रहा छोड़ दें उसको, ठीक है, बोली जा रहा कि बोली जा रहा उसको छोड़ दें, कि इसका मतलब है कि आप रिस्पॉन्ड करना छोड़ देते हैं। स्क्विरल्स हैं, इंसान आते जाते हैं आते जाते हैं, ऑटोमोबाइल जो है हॉर्न चलते जाते हैं, रिस्पॉन्ड करना छोड़ देते हैं, वो अपना नॉर्मल फंक्शन करते हैं। एक इंसान जो है वो गांव से उसकी कराची चला गया, क्योंकि कराची में बहुत शोर है, तीन चार दिन हम मैक्सिमम दो हफ्ते दो महीने दो हफ्ते रहेगा फिर आदत हो जाएगा, कहेगा नहीं वो रिस्पॉन्ड करना छोड़ देगा ना, जब वो नया आएगा तो कहेगा मेरे सर में दर्द हो रही, मुझे गुस्सा आ रहा है, तबीयत इरीटेट कर रही, जिससे क्या है सेंसरी अडैप्टेशन है उसके, वो उसको उसकी जो है तबीयत के ख़िलाफ़ काम होता है। जब इंसान की जब एक इंसान की कोई आदत के ख़िलाफ़ काम करता है ना तो उसको गुस्सा आता है, ठीक है, तो जो है फिर उसके जो है वो चेंज आते हैं, ठीक है। अब फिर क्या करते हैं, फिर काम क्या करते हैं, अगर आपको पता है कि इस इंसान ने भी बात नहीं आना, मुझे भी गुस्सा आ जाना, फिर इंसान रिस्पॉन्ड करना बंद करता है, तो जो तुम्हारा दिल आता है वो जो आप हैं वो कर लें, ठीक है। अब कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी रूम में इंटर होते हैं जो उसमें स्मेल आ रही है, ठीक है, स्मेल आ रही है, ऑर्डर को हम स्मेल कहते हैं, ठीक है, अनयूजुअल ऑर्डर है, तो जो आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व्स है ना, ठीक है, सूंघने वाली जो नर्व्स हैं आपकी सेंस है, वो क्या करेंगी वो और ऑर्गन स्टॉप रिस्पॉन्डिंग टू, तो आप देखें कि वो उस ऑर्डर के अगेंस्ट जो है वो रिस्पॉन्ड करना स्टॉप कर, आप कुएं का दरवाज़ा खोलें, आपको उसमें खुशबू आ रही है ना, ठीक है, खुशबू आ रही तो आप पता चल जाएगा, लेकिन अगर आप कमरे खोला है उसमें कोई स्मेल आ रही तो आपको ये पता नहीं चल रहा किस चीज़ की स्मेल है, पता नहीं चल रहा कि इसका मतलब क्या है, जो आपके ऑल्फैक्टरी नर्व्स है ना उन्होंने जो है वो रिस्पॉन्ड करना स्टॉप कर दिया है, ठीक है, मतलब वो रिस्पॉन्स देना आप लोगों को जो उन्होंने बंद कर दिया कि आपको जो भी प्रॉब्लम उस नर्व की आपको पता नहीं चलेगा फिर स्मेल किस चीज़ की, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास है क्लासिकल कंडीशन, क्लासिकल कंडीशन का मतलब है पुराने ख्याल हमारे, ठीक है। अब क्लासिकल कंडीशन हमारे पास जो है ये बिहेवियर की टाइप्स है, ये हमारे पास हम बिहेवियर को हम ज़्यादा स्टडी करते हैं, ये कंडीशन वगैरह जो है हम एनिमल्स में ही करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो क्लासिकल कंडीशनिंग है हम लर्निंग की एक टाइप है, ठीक है, ये रशियन फिजियोलॉजिस्ट आया था इवान पावलो, ठीक है। इसने क्या किया था, इसने ना एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, उसने एक डॉग लिया, डॉग लिया और साथ में ना एक बैल रखी, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने ना जब बैल बजाई ना तो बैल बजाने के साथ क्या हुआ कि खाना आ गया सामने डॉग के, खाने के एक डॉग जो कि माउथ में सलाइवा क्रिएट हुआ, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा से क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब वो ये काम करता गया, बार बार करता गया, देखिए उसने बैल तो उसने खाना दिया साथ में, तो अब क्या हो गया, जो डॉग था वो यूज्ड टू हो गया जब बैल बजने खाना आना, फिर उसने खाना देना बंद कर दिया, ठीक है। जब बैल बजती थी उसके मुँह में सलाइवा आ जाता था, ये क्लासिकल लर्निंग। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको इस तरह देती हूँ कि आप एक इंसान हैं, अब हम इंसान हैं ना, अब कुछ डिश अब हम अपनी फेवरेट डिश खाने की सोचते हैं हमारे मुँह में पानी आ जाता है, सलाइवा से क्रिएट हो जाता है, क्या है ये हमारे बॉडी हमारे ब्रेन के अंदर फिट है बच्चों। अब जिस तरह पिज़्ज़ा बर्गर शवारमा
पास्ता ऑफ कुछ सारा कुछ बिरयानी कौरमा मटन पुलाव सारा कुछ, ये क्या चीज़ें हैं इनको जब आप इंसान सोचता उसके मुँह में फटाफट मुँह में पानी आता है। कहते हैं मैं तुम भी बात कर रही हो ना तो मेरे मुँह में ना पानी आ गया, बातें ना करो। क्योंकि जो इंसान का जो सारा नर्वस सिस्टम है ना, जिस चीज़ को आप जो चीज़ आपको पसंद होती है ना, जब आपको आता है ना तो ऑटोमेटिकली जो है आप रिस्पॉन्ड मिलता है, उसको स्टिमुलस मिलता है, वो स्टिमुलस को एंगेज क्या करता है, वो फिर क्या करता है, वो आपको रिस्पॉन्ड देता है। ठीक है, रिस्पॉन्ड करता है कि मुँह में पानी देता है, आपका दिल करता है उस चीज़ को खाने का कि मैं चीज़ खाऊँ। कुछ लोग कहते हैं हम वो चीज़ खा रहे हैं हमें सुकून नहीं आता, मतलब इंसान को अजीब सा होने लगता है कि मैं वो चीज़ खा लूँ। ये ह्यूमन की साइकी है, ह्यूमन की नेचर है। ठीक है, उसने डॉग पे एक्सपेरिमेंट करके ह्यूमन की साइकी को भी बताया कि जो इंसान है वो जो है वो उसके अंदर ये चीज़ जो है वो इनहेरिट है, हमारे अंदर है। एक बच्चा है, अगर आप उसको सारा कुछ खिलाएंगे ना तो वो सारा बड़े वो सारा कुछ खाएगा, लेकिन अगर एक बच्चा है उसने कहा मैंने ये चीज़ नहीं खानी मैंने ये खानी है, अगर आपने तब उसके बाद मान ली ना तो वो आदत पड़ जाएगी। जब आपने कहा चाहिए फ्राइज खाओगे, यस खाऊंगा मेरे मुँह पानी जो मैंने खाने मेरे मुँह पानी है तो खा लेगा। ठीक है, अब देखें, अब मैं उसने कहा पाब्लो ने क्या किया, उसने प्रेजेंट द फूड राइट आफ्टर द साउंड ऑफ अ बेल। ठीक है, उसने बेल के साथ जो है फूड बांध दी। आफ्टर द नंबर ऑफ द प्रेजेंटेशन द डॉग वार कंडीशन, जितनी दफ़ा उसने बेल बजाई डॉग को जो है उतनी दफ़ा जो है हमें जो है वो फूड मिली। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि हमारे पास जो था इसका मतलब था उनका जो सलाइवा था वो सलाइवा था वो फूड के साथ जो है एसोसिएट कर गया। सलाइवा जो था फूड के साथ, क्योंकि जो बैल के साथ थी वो बैल के साथ जो बैल पाते थे फूड के साथ, इसकी वजह से क्या उसका जो सलाइवा था वो सिक्रीट हो जाता था। ठीक है, इट वाज देन पॉसिबल टू लिक द डॉग्स यूजुअल रिस्पॉन्ड टू फूड सलाइवेशन। सलाइवेशन का मतलब है कि जो सलाइवा का जो है वो सिक्रीट हो जाना। ठीक है, विद जस्ट द साउंड ऑफ द बेल द फूड वाज अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट फॉर द सलाइवरी बिहेवियर। ठीक है, कि जो क्या कहते हैं उसको जो सलाइवा है वो अब जब वो बेल बजाएगा, बेल होगी उसको पता खाना मिलेगा तो उसके मुँह के अंदर पानी आ जाएगा, ललचाया जिसको मुर्दे कहते दिल ललचाया है। ठीक है, तो अब कहते हैं कि इसके लिए हमने क्या किया कि अब ये जो हमारे पास था काम है अब हम इसके लिए नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, हम कोई गलत काम भी करवा सकते हैं। ठीक है, कि अब बेल दबाई आपने फूड दिया, फूड के बाद हमने फूड देने के बाद कुछ या फूड जगह कुछ आप और दे दें, एनिमल को तो नहीं पता ना कि आप जो है उसको वो जो है उसकी जो डाइट है वो ठीक दे रहे हैं गलत दे रहे हैं, क्योंकि उसके पास इतना दिमाग से नहीं, बेशक वो सूंघ सकता है लेकिन उसको इतना तो नहीं पता ना, तो मतलब हम उससे जो है वो कोई भी जो है हम उससे जो है वो नेगेटिव काम भी जो है वो करवा सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी हो सकता है। अब हमारे पास जो क्लासिकल के हमारे पास लर्निंग है ना, ये हमारे पास जो है ये एनिमल में बहुत ज़्यादा जो है हमारे पास जो है वो एक कॉमन है। देखिए, बर्ड जो हैं वो अवॉइड करते हैं कि जो ब्राइटली कलर के कैटरपिलर है ना उसको ना खाएं, शाइन करता है जो। ठीक है, बर्ड तो कैटरपिलर खा लेते हैं, ठीक है, या नेक्टर लेते हैं, उसने यहाँ पे आपको बताया हुआ उसका शाइन कलर कैटरपिलर्स का कि हम जो कैटरपिलर तो ना खाएं, बिकॉज उन्होंने एक दफ़ा खाया उनका टेस्ट था वो कड़वा था, दो दफ़ा खाया कड़वा, तीन दफ़ा खाया कड़वा, तो इसका मतलब क्या, फिर कहेंगे तो जितने भी ये हैं ना शाइनी कलर्स हैं हमारे पास कैटरपिलर्स हैं, ये जो है इनका जो है वो जो कलर इनका जो टेस्ट है वो कड़वा है। ठीक है, फिर क्यों करता है, बिकॉज बर्ड एसोसिएट विद द कलर पैटर्न विद द बैड टेस्ट। उनका जो कलर का पैटर्न था मतलब रेड था ग्रीन था येलो था जो भी कलर था उन्होंने उसको नहीं लिया क्योंकि उसमें क्या मतलब उसको जो था वो बैड टेस्ट था, उनको एक्सपीरियंस हो गया, इसलिए फिर वो क्या करते हैं, फिर वो जितने भी ब्राइट कलर होते हैं उनकी जो कैटरपिलर था उनको अवॉइड करते हैं खाने से। ठीक है, क्योंकि अगर देखें अब रेड कलर का उन्होंने कैटरपिलर खाया तो उनको जो था वो उसका सलाइवा का वो सॉरी जो टेस्ट है उनको जो कड़वा लगा बैड टेस्ट लगा, तो वो जितने भी वो रेड कलर के जितने भी सारे होंगे ना वैरायटी होगी कलर पैटर्न के सिमिलर कलर पैटर्न वो सारे के सारे को अवॉइड करेंगे। क्यों, क्योंकि उनको नहीं पता ये अलग है वो अलग है, उनको मतलब उनको उनके पास इतनी सेंस नहीं है। फिर क्या है वो जो सेम कलर होगा उसको अवॉइड करना शुरू कर देंगे, उस चीज़ का नहीं खाएंगे। क्यों, क्योंकि उनके अब उनके उनके जो बिहेवियर में जिस फिट हो जाएगी इसका जो टेस्ट है वो बैड है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है कि वो उस चीज़ को जो है वो छोड़ देंगे, ये है इसके अंदर। ठीक है, कि एनिमल्स के पास जो है ये एनिमल में ज़्यादा हमारे पास जो है ये प्रोमिनेंट है,
क्योंकि हमारे एनिमल में हम क्या करते हैं, हम सिखाते हैं। जिस तरह मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि हमारे पास हम कबूतरों को ट्रेन करते हैं, कुत्तों को ट्रेन करते हैं, इनको ट्रेन करते हैं, मुर्गों को ट्रेन करते हैं लड़ाई के लिए। क्यों? ताकि हम उनको फिर फूड देते हैं, अच्छी अच्छी फूड देते हैं, फिर हम उनको ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो लड़ सकें। आपके सामने कोई भी आया है जो जो हमारे पास लड़ने वाले कबूतर जो सील होते हैं ना, सील मुर्गा कहते हैं उसको, उसके सामने इंसान जा खड़ा होता तो उससे भी लड़े, क्योंकि उनके बिहेवियर में ये चीज़ जो है वो फिट हो चुकी होती है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ये पूरा लेक्चर समझ आया होगा। और ये भी जो टॉपिक है आप लोगों का हैबिचुएशन एंड द क्लासिकल कंडीशनिंग, ये भी जो है आप लोगों को मिलर एंड हार्ले जो है फोर्थ एडिशन में मिलेगा। ठीक है, या आपकी जो रामे की बुक है पेपर नंबर ए, उसमें से आपको मिलेगा जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी हुई है। मिलर एंड हार्ले का फिफ्थ एडिशन और टेंथ एडिशन में जो है आपको ये बुक जो है जो टॉपिक्स हैं ये आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने जो टॉपिक्स जो हैं उस बुक में से जो है वो स्किप कर दिए हैं। ठीक है, ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।